बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सब मिलके बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी फ़िश की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी में मैं आपको बेक करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं और चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से ही बहुत मज़ेदार बनती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। चलो शुरू करते हैं। फ़िश को अच्छे से साफ करके 1 टीस्पून नमक और 1/2 कप सिरके में डिप करके आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसकी वजह से फ़िश की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। फिर हमें चाहिए 1/2 कप बेसन, 2 टेबल स्पून मैदा, मैदे की जगह आप राइस फ्लोर या कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, 4 टेबल स्पून सिरका, 1 लेमन, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 पिंच कलर के ले लें। फिर एक बड़ा बाउल ले लें और उसमें सारे मसाले डाल दें, बेसन और मैदा भी शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सिरका, लहसुन, अदरक डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। 1 लेमन का जूस निकाल लेंगे और सीड को रिमूव कर देंगे, वो भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आखिर में 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बना लें। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें कि कोई भी लम्स या गुठली ना रहे और सब चीज़ें यकजान हो जाएं अच्छे से। सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो गई हैं और थिक सा बैटर हमें मिल गया। अब ये थिक सा बैटर फिश के अंदर साइड पे हम लगा देंगे। अच्छे से सारा बैटर फिश के ऊपर लगा दें हल्के हाथों से कि फिश टूट ना सके। बिल्कुल हल्के हाथों से ये बैटर हम फिश पे लगा देंगे अंदर की साइड पे, और इसी तरीके से फ़िश को बाहर से भी मसाले से कोट कर लेंगे। ये मसाला थोड़ा सा थिक लग रहा है तो हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करके बैटर को थोड़ा सा पतला कर लेंगे। फिर अच्छे से सब जगह फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देंगे ये बैटर। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बैटर बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब फ़िश पे अच्छे से मसाला लगा दें और बिल्कुल फ़िश को कवर कर दें सब जगह से। इसी तरीके से दूसरी फ़िश को भी मसाले से अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छी तरीके से तमाम बैटर फ़िश पर कोट कर देंगे और फिर इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप इसको कम से कम 1 घंटा मैरिनेट ज़रूर करें। अगर टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, जिससे इसका जायका बहुत मज़ेदार हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1/2 घंटा इसको ज़रूर मैरिनेट करें। फ़िश पर अच्छे से बैटर कोट हो चुका है, अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए ढककर फ्रिज में रख देंगे। अच्छे से मैरिनेशन होने के बाद तमाम मसाला फ़िश में एब्जॉर्ब हो चुका है अच्छे से, अब हम इसे बेक करेंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसे फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे बेक करूंगी, जिसके लिए ओवन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ओवन को 200 डिग्री पर प्रीहीट कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। सबसे पहले ओवन को गर्म होने के लिए रख दें और बेकिंग ट्रे को हम सेट कर लेंगे। बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके उसके ऊपर बटर पेपर या फिर फॉयल पेपर डाल के 2 टेबल स्पून ऑयल लगा कर अच्छे से फैला लें। फिर उस पर फिश रखकर सेट कर लें। 15 से 20 मिनट बाद जब ओवन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम फिश बेक करने के लिए रख देंगे। और इस फिश को बेक करने में हमें
20 से 25 मिनट लग गए थे। अगर आपकी फ़िश का साइज़ बड़ा होगा तो हो सकता है 30 मिनट्स लग जाएं, और अगर छोटा होगा तो जल्दी बेक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश बेक होके रेडी है, बहुत प्यारा से इस पर कलर आया है, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है, बहुत प्यारा से इसके ऊपर कलर आया है और बहुत प्यारा सा मसाले का क्रस्ट बन चुका है। इसे आप सर्व करें चटनी के साथ, सलाद के साथ, पराठों के साथ, या आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या बॉयल राइस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगती है हर तरह से। चटनी और पराठे की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।